कहिए। शिवम, शिवम, मैं क्या, देखो बात करनी नहीं आती हो तो दूसरी बात, लेकिन तुम मुझसे शर्माना नहीं, मैं शिवो की पक्की सहेली हूँ। बात क्या है कि बहुत सालों के बाद मिले ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। हेलो, बात की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से बात करनी ना है। काम की बात करो फटाफट। हाँ जी, काम की बात। हाँ, शिवो, तुम्हें याद है बचपन मैंने तुम्हें धक्का दिया था और तुम्हारा दांत टूट गया था? बचपन में धक्का दिया तो दांत तोड़ दिए थे, जवानी में धक्का दोगे तो टांग तोड़ दोगे। शिवो, तुम इसे कहो कि यहाँ से चली जाए, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात करना चाहते हो? एक शर्त है। जी कहिए, क्या शर्त है? ये पहली मुलाकात है, इसलिए तुम दोनों के बीच में एक गज की दूरी होनी चाहिए। जी ठीक है, एक गज की दूरी मुझे मंजूर है। बेशरम, लड़का अच्छा है, एक गज की दूरी अगर घटकर एक इंच रह जाए तो घबराना नहीं। मैं चली, चलो मुझे छोड़ के ना जा। मैं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ, आना है तो आ जा। पाँव तो तेरे भी नहीं हिल रहे रानी, मिलना तो तू भी चाहती है, मिलने मिलने नहीं चन्नो। शिवो, शिवो, ये चन्नो झूठ बोलती है ना? पता नहीं। अच्छा तू इतना तो बता दे कि अगर फिर से कुत्ता तेरे पीछे पड़ जाए तो मैं कुत्ते को पकड़ूं या तुझे? पता नहीं, जो भी अच्छा लगे उसे पकड़ लीजिए। अरे दुल्ले, क्या बात, सब कैदी सो चुके हैं, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अरे अब तो सरकार ने तुम सबकी चार चार साल के लिए सजा भी माफ कर दी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओह, समझ गया, आज फिर तुम्हारी मुलाकात का दिन बेकार गया, आज फिर तुम्हारे बेटे तुमसे मिलने नहीं आए ना? यार एक बात बता, ये जो तेरी औलाद है, तेरी सजा से पहले पैदा हुई थी या बाद में? अरे दुल्ले ने हवलदार का गला पकड़ लिया, कहीं इसे जान से ना मार डाले। अरे शामू, नथू, रामू, शिंदे। अरे दुल्ले छोड़ दे, पागल हो गए हो? अरे मर जाएगा बेचारा, छोड़ दे। अरे तेरी जो चार साल की सजा माफ हुई है, दोबारा लग जाएगी, छोड़ दे इसे। जंगली कहीं के मेरी जान लेना चाहता था, आ लेने निकल जेलर साहब को, अगर दिन रात चक्की ना चलवाई तो मेरा नाम भी हृदय मल मुरारी लाल नहीं। अबे जा जा, बड़ा है चक्की पिसवाने वाला। अच्छा तो बेटे की शादी करने का इरादा है? हाँ यार, हरदेवपुरा में मेरे दोस्त हैं हरदम सिंह, उन्होंने श्रवण के लिए एक लड़की देखी है, उनसे मिलने जा रहा था, सोचा रास्ते में तुमसे भी मिलता। अरे बहुत अच्छा सोचा, देखना बहू के आते ही घर का माहौल खिल उठेगा। सरपंच जी। हाँ? कहो बेटे, क्या बात है? आप तो जानते ही हैं, रत्नी चाची का हमारे सिवा कोई नहीं है, इस बेचारे का मकान गिर गया था ना। अच्छा? तो हमने सोचा इसकी मदद के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करें, आप गांव की मुखिया हैं तो आप ही से शुरुआत। हाँ क्यों नहीं, कहो बेटे कितना दूं? आप जितना चाहे दे दे। लो। अच्छा जीती रहो। सुनो बेटे, इस गरीब की मदद के लिए कितना पैसा इकट्ठा करना? जी यही कोई 2000 रुपए। इतना तो मेरे पास होना ही चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? ये इतने सारे पैसे देने की तकलीफ आप मत कीजिए, हम गांव वाले से इकट्ठा कर लेंगे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, नेक काम में तो मदद करनी ही चाहिए। ले लो बेटे, खुशी से दे रहे हैं। चाची ये लो, लगता है आज सुबह सुबह किसी किस्मत वाले की सूरत देखी है तूने, जो पहले ही घर से तेरी मुराद पूरी होगी। जी मेहरबानी, चल। क्या बात है, पैसे लुटाने का इरादा है? अरे तू नहीं समझेगा गुरशरण, बेटे की पसंद है, 10,000 मांगती वो भी दे देता। क्या मतलब बेटे की पसंद?
वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ये लड़की है कौन? लड़की अच्छे घर की है। पिछले जन्म में मेरी बेटी ने मोती दान किए होंगे, जो आज ये इतने बड़े घराने की रानी बनने जा रही है। इसका बाप होता तो वो कुछ बात करता, माँ होने के नाते मैं तो बस एक विनती कर सकती हूँ। कहिए। मैं सिर्फ बेटी दे सकती हूँ, देने के लिए मेरे पास। देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके सर के सिंदूर से लेकर पांव की जूती तक सब कुछ मेरे घर का होगा। अगर दहेज में कुछ लाएगी तो इस घर की मान मर्यादा। आपकी तो किस्मत खुल गई भाभी, मेरे ख्याल में जल्दी से अब शगुन की रस्म शुरू कर दो। बधाई हो भाभी जी। सदा सुहागन रहो बेटी। बिंदर, जानता है परवरी का रिश्ता तय हो गया है, बहुत बड़े जमींदार के साथ। नहीं नहीं नहीं, उसके बेटे के साथ एक इकलौता है। कुछ रोक, रोक ना। ऊपर देख, अरे यहाँ तो पानी वानी भी तो नहीं है। पानी वानी छोड़ तू, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। तू पारो। अरे बात क्या सुनूं, तू पागल है पागल। तू जिस घर की खुशियां मना रही, जानती है वो घर वाले तुझे क्या समझते हैं? सुनेगी, तुझे यकीन नहीं आएगा। किस बात का? क्या है कि तेरी माँ तुझ में और पारो में फर्क समझती है। नहीं समझ में आया ना? देख, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तेरी माँ सौतेली माँ। मैं कब कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ? तो फिर ये सब क्यों किया तूने? मैंने तो इसलिए कह रहा ताकि तेरी हिचकी बंद हो जाए। तो क्या है कि हिचकी का ताल्लुक जो है ना, वो दिमाग से होता है। दिमाग से अगर दिमाग को कहीं और लगा दो तो हिचकी बंद हो जाती है। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी बिंदर। अरे जान तो अपने खतरे में है। एक बहन का रिश्ता इतने बड़े घर में हुआ, दूसरी बहन का रिश्ता उससे भी बड़े घर में होगा। अपना क्या काम? नमस्ते। नहीं बिंदर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? वो तो आज ही हो गया होता। वो तो शुक्र करो कि इकलौता बेटा है। अगर कहीं दो होते तो आज ही दोनों बहनों की। पारो, तूने तो अपने होने वाले पति को देखा नहीं। अगर उसका एक बाजार बंद हुआ तो तो मैं अपनी शुभ शुभ बोलने वाली सहेली के दोनों बाजार बंद कर दूंगी। और अगर लंगड़ा हुआ तो तेरी तो टांगों की बहरा होगा तो जी भर के गालियाँ देना, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तू तो बहरी नहीं है ना, पहले तो तेरी खबर लेती हूँ। अरे अरे, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुमने उसे देखा थोड़ी ही है, वो कैसा भी उल्टा सीधा हो सकता है। होगा तो अपने नसीब से होगा। तुम सब देख के शादी कर लेना, जैसे देखने से राजकुमार मिल जाता है। अरे पारो, ये तो वही है जो हमें मेले में मिला था। आप यहाँ? जी मैं। प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पकड़। ये आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं, अगर मेले में तुम्हारी तस्वीर न मिलती और उस तस्वीर को देखकर बाबूजी तुम्हें सरपंच के घर पे न पहचानते तो शायद मैं कुंवारा ही रह जाता। हाय रब्बा। पारो, पारो अभी देखकर बताओ मैं तुम्हें पसंद हूं ना? कल को सहरे ने चेहरा छुपा लिया तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। हाँ पारो, बोलो पारो, जवाब दो। जरा सोचो, तुमसे मिलकर भी अगर तुमसे बात नहीं हुई तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा आज रात को? नहीं पारो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हूं। हां पारो, कुछ तो बोलो। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम मुझे आवाज नहीं दोगी ना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं चला पारो।
चुनते हो? सोने की है या डारे चाचा को हामाखा गुस्सा आ रहा है। हम तो बस देख रहे हैं कि सोने में खोट कितनी। लगता है चाचा को हमारा खोट देखने का तरीका पसंद नहीं आया। ओए नहीं पसंद आया ना सही। चल यहाँ क्या करना है, ठेके पे चल के दारू पीते। आजा चल छोटे। दोस्त कड़वे पानी की एक बोतल ला ला। अंदर गया कभी पूछी नहीं। क्यों बड़े भाई, शराब में नशा नहीं है? शादी की खुशी नशा चढ़ने नहीं दे रही? अरे आप बस भी करो, बार बार एक ही बात को चबाए जा रहे हो। मैं तो पहले ही जलकर राख हो चुका हूँ। अब आंखें खुली तेरी हैं? चाचा का चहेता बन के आगे पीछे घुमा करता था। बाबू जमीन के लिए जेल में, अब ये साला सांप बन के जमीन पे बैठा हुआ है। अरे वो अगर तुझे अपना बेटा समझता तो सेरा बांध कर तू आज इस लड़की से शादी करने आया होता, क्योंकि तू सरवन से 3 साल बड़ा था। बड़ी आई साली रिश्तेदारी। मालिक बारात में आपके कुछ दोस्त आए हैं, मेरे ख्याल आपको उनसे मिल लेना चाहिए। कौन है वो लोग? लड़के के रिश्तेदार हैं, पर रिश्तेदारों में कोई दुश्मनी लगती है। छोड़ो, तेरी भाभी का नाम क्या है? पलमजीत। पलमजीत नहीं ओए, परमजीत। अरे वही तो बोलता हूँ, समझते ही नहीं हो क्या? पलमजीत। परमजीत। परमजीत होगी आपके लिए, हम तो उसे प्यार से पालो कहते हैं। पालो पालो। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। साथ साथ बैठ कर के दारू पीते हैं, बात से बात खुलेगी तो शायद दोस्ती भी हो जाए। Cheers. अच्छा देवियों, अब तुम सब बाहर जाओ, हवा आने दो, हवा। बाहर हम नहीं, आप जाएंगे जनाब। कमाल है, ये हमारा कमरा है। हमारा कमरा? हाय हाय मर जावा गुड़ खा के। ओफो लाजो, समझाओ ना इन्हें। भाई मैंने शादी की है, भगा कर तो नहीं लाया? ओहो आप तो जो मुँह में बोलते रहते हो। मैं समझाती हूँ आपको, रिवाज के मुताबिक आज रात को आप यहाँ नहीं सोएंगे। कल सुबह भाभी अपने मायके जाएंगी और शाम को जब भाभी को साथ लेकर आओगे तो हम में से यहाँ किसी को नहीं पाओगे। तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। मैं नहीं अच्छी तरह जानती हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो सब उठाओ इन्हें। अरे चलो, अरे आप लोग उठो ना। वो इस तरह मुझे अपनी बीवी से दूर रखोगे तो मैं 5 बच्चों का बाप कैसे बनूंगा? मैं तो ये कहती हूँ हम सबको ही बाहर चले जाना चाहिए था। कितना तड़प रहा है ये बेचारा। ये क्या कम तड़प रही होंगी? आज की रात कैद समझ कर काट लो पारो भाभी, कल से उम्र भर की रिहाई।